ऑल द बेस्ट। नहीं है कहां मंजिल, इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हेलो गाइस, वेलकम टू आई डोंट माइंड, सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट पार्ट में हम लोग पहुंचे थे सांकरी मार्केट में, जहां पर हम लोग कुछ नेसेसरी थिंग्स खरीदने के बाद यहां से चल पड़े थे जुड़ा की तालाब की तरफ। अगर लास्ट वाला पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वाला पार्ट देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने राइडो माइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द डे वन ऑफ द केदारकांथा ट्रेक। हम लोग यहाँ से चल रहे हैं जूटा के तालाब की तरफ। हम लोगों का ट्रैकिंग जस्ट शुरू हुआ। आप कभी भी कहीं पर भी ट्रैकिंग में जाओ, ऐसा एक क्यूट कंपेनियन आपको मिल ही जाता है, जो कुछ देर तो आपके साथ रहेगा ही। देखिए भाई, आराम से, बी केयरफुल। हाँ भाई, वही है। ओह, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। वो इस तरीके से रेस्ट करता है, बैठोगे तो भी और ठंडे हो जाओगे, ज्यादा नहीं बैठता है। इफ यू रेस्ट टू मच देन योर बॉडी विल फील कोल्ड, ओके। अपने बॉडी को जो है ना वार्म रखना है आपको। सो इनविंसिबल के साथ जो लोग जा रहे थे सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक साथ हम लोग ट्रेनर के साथ चल पड़े जुड़ा की तालाब की तरफ। आज का ये ट्रेक होने वाला है ऑलमोस्ट 4 आवर्स का और ये कंप्लीट अपवर्ड जर्नी है। सो लेट्स गो। कुछ देर चलने के बाद हम लोग लिए थोड़ा सा रेस्ट। पता है ट्रेक करने टाइम हम लोग इतना ज्यादा ब्रेक क्यों लेते हैं? सिर्फ पैरों को रेस्ट देने के लिए नहीं, आंखों को सुकून देने के लिए भी। विश्वास नहीं हो रहा है, ये देखिए। अभी जस्ट 1 किलोमीटर क्रॉस किया तो पूरा अपवर्ड्स है। चलो आगे तो जाना ही है, तो मिलते रहेंगे आपसे। ट्रेक करने टाइम नैरो रास्ते में अगर ऐसा कोई मूज आ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, और इन लोगों के पीठ में रहता है बहुत सारा बैग्स। हाँ, एक चीज़, अगर आप बैग कैरी नहीं करना चाहते तो ये मूज से आप अपना बैग कैरी करवा सकते हो, जिसके लिए आपको अच्छा पैसा देना होगा। इस पहाड़ी रास्ते में अपवर्ड्स ऑलमोस्ट 2 घंटा चलते चलते हम लोग सबका हवा ऑलमोस्ट टाइट हो गया था, और रास्ता अभी बहुत बाकी है। कोई अगर बोलता है ना कि ये बिगिनर्स ट्रैक है केदारकांथा, भाई एक बार आके देख लो, अच्छे से पता चल जाएगा। सनलाइट की वजह से बर्फ पिघल रहा था और इसलिए पूरा रास्ता और भी ज्यादा स्लिपरी हो जा रहा था। यो, हैप्पी न्यू ईयर।
ये रास्ता देख के शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर चढ़ना कितना टफ हो रहा था हम लोगों के लिए। एंड देन फाइनली बहुत देर चलने के बाद हम लोगों को ऊपर में एक टी स्टॉल देखा। फाइनली टी ब्रेक का जगह मिल गया। बहुत भूख लगे, कुछ खाना होगा। एक मैगी होगा क्या? एक ऑमलेट दे दे। हाँ, ये अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ हुए है और यहाँ पर एक दुकान मिल गया, तो वहाँ से एक मैगी ले लिया, एक खा के फिर से अपना जर्नी शुरू करेंगे। ये खाने के बाद फिर से मेरा एक ऑमलेट। यहाँ पर थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर से हम लोग जा रहे हैं चूड़ा की तालाब के तरफ। रास्ता बहुत स्लिपरी है और खाने का पैसा मैगी 50 रुपीज़, ऑमलेट 60 और 70 रुपीज़ ड्यू। तो चलिए आपको अभी आगे दिखाते हैं। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये रास्ता काफी ज्यादा स्टीफ है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। वो ग्रुप इतना मज़ेदार था ना, उससे मिलने के बाद थोड़ा एनर्जी आ गया शरीर में। तो फिर से हम लोग इधर उधर थोड़ा सा फोटो खींच के चल पड़े। सो राइट नाउ वी आर एट द सेकेंड टी पॉइंट। ये रास्ता काफ़ी टफ था, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक, उसके बाद फिर से हम लोग ऊपर तक जाएंगे। और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर चाय तो रहेगा ही। यहाँ से हम जा रहे हैं हम लोगों का डेस्टिनेशन पर, तो यहाँ थोड़ा स्टे किए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। टाइम अभी हुआ है कितना 2:10। तो चलिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, थोड़ा देरी है। सामने आपको दिखा देते हैं रास्ता कैसा है। ये आफ्टर द सेकेंड स्टॉल, यहाँ पर रास्ता पूरा स्टेप है। पुर कैंप वो है कि उसके बाद है नहीं मालूम अभी तक। अभी हम लोग को चलते रहना है बस। अभी पीछे मुझे एक बेस कैंप दिख रहा है, आई डोंट नो वो हम लोगों का है का नहीं, पर देखना होगा। फरहान लोग तो काफ़ी आगे पहुंच गए, हम अभी पहुंचने वाले हैं, नहीं मालूम ये है का, चलो देखते हैं। जी हाँ, मुझे पीछे इनविंसिबल का प्लेकार्ड दिख रहा है। सो यही है, दैट इज ऑल। आप देख सकते हो मेरे पीछे जूटे का ताल बेस कैंप इनविंसिबल। हम लोग जिसके साथ आ रहे हैं हम लोगों का यही है जूटा कताल बेस कैंप। जर्नी काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा टफ था,
आने में टाइम लग गया ऑलमोस्ट 4.5 घंटा और रास्ता बहुत ही स्टीप था। टोटल अपवर्ड्स जर्नी और बर्फ़ में पूरा ढका हुआ था और बर्फ़ गीला हुआ तो रास्ता स्लिपरी हो गया बहुत, तो इसलिए हम लोग को बहुत स्लो ट्रैक करना पड़ा आज। आज के लिए इतना ही, अभी जाएंगे कैंप में, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। जूडगतला बेस कैंप में पहुंच के हम लोग किए बहुत सारा मस्ती जो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइडो माइल्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो। नेक्स्ट पार्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यहाँ से हम लोग जाएंगे जूडा का तालाब और उसके बाद जाएंगे बेस कैंप। और नेक्स्ट पार्ट में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे मेरा और भी बहुत सारा दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राइडो माइल्स एंड स्टे ट्यून्ड।